दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। वहीं पर इस देश में 60 से 70% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बिजनेस करके लाभ कमाने की अपार संभावनाएं हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और तलब है कि कृषि बिजनेस से तात्पर्य केवल फसलों की खेती से नहीं है, बल्कि इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन भी शामिल है। ऐसे में अगर आप किसी कम लागत वाले अच्छे कृषि बिजनेस की तलाश में हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाले हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है बकरी पालन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही आजीविका के स्रोत के रूप में पहचानी जाती है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रख रखाव में लागत भी कम होती है। सूखा पड़ने के दौरान इसके खाने का इंतजाम सरलता से हो जाता है। नंबर 2 डेयरी बिजनेस। डेयरी बिजनेस एक अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। डेयरी बिजनेस को एक ऐसा बिजनेस माना जा सकता है जिसमें घाटा होने की संभावना बेहद कम होती है। दूध और दूध से बने उत्पादों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग कभी भी कम नहीं होती है। नंबर 3 खाद एवं बीज की विक्रेता। आप प्रमाणित खाद व बीज एवं कीटनाशक की बिक्री कर सकते हैं। खाद एवं बीज की विक्रेता बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वहीं इनके लाइसेंस को लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। बता दें कि इनकी शुरुआत करने के लिए ज्यादा पूंजी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 5 जैविक खाद का उत्पादन। खेती में इन दिनों वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एवं घरेलू व्यवसाय बनता जा रहा है। जैविक खाद बिजनेस कम पूंजी निवेश में किया जा सकता है, बस इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 6 मशरूम का बिजनेस। यह एक ऐसा बिजनेस है जो आपको कम वक्त में ज्यादा लाभ दिला सकता है। इसे कम खर्च में और कम जगह में भी शुरुआत किया जा सकता है। मशरूम की मांग इन दिनों होटलों, रेस्टोरेंट के साथ साथ घरों में भी बढ़ गई है। नंबर 7 मुर्गी पालन। मुर्गी पालन पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस बन चुका है। यह एक बेहतरीन फार्म कृषि उद्योग आइडिया में शामिल है। नंबर 8 मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसे काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यह एक कम खर्चीला घरेलू बिजनेस है जिसे आय, रोजगार व वातावरण शुद्ध रखने की क्षमता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे समाज के हर वर्ग के लोग अपना कर लाभान्वित हो रहे हैं। हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, जिसे एक समय अंतराल पर केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 9 पर आता है मछली पालन। दोस्तों मछली पालन करके एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। वहीं इसमें कई तरह के आधुनिक प्रयोग करते रहने से ज्यादा लाभकारी या साबित हो सकता है। इसमें पूंजी निवेश की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। नंबर 10 पर आता है औषधीय जड़ी बूटियों की खेती। बिजनेस के तौर पर औषधीय पौध व जड़ी बूटियों की खेती काफी लाभदायक हो सकती है। अगर आप इसमें अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आपके पास पर्याप्त जमीन है तो आप इसकी खेती से अच्छा लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके बिजनेस में सरकारी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। नंबर 11 पर आता है आलू के पाउडर का बिजनेस। आलू के पाउडर का उपयोग बड़े पैमाने पर स्नैक फूड उद्योग में किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल अब उन सभी प्रकार के व्यंजनों में किया जाने लगा है जिसमें मसले हुए आलू की जरूरत पड़ती है। यह सब्जी की ग्रेवी और सूप के बनाने में भी प्रयोग में लाया जाता है। अतः आलू के पाउडर का बिजनेस भी करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बिजनेस के बारे में जो आप सोच रहे थे, आशा करता हूँ इसमें आपको कुछ बिजनेस भी पसंद आए होंगे। ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे समय समय पर बिजनेस से जुड़ी जानकारी आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।